आपने ये अभी बच्चे जो हैं वो उस पे हैं स्टॉक टेकिंग और पता नहीं क्या है। बैठे जी तशरीफ रख। अच्छा तो पहले एक दो लेक्चर्स जो हैं वो थोड़े से इंट्रोडक्टरी, ज़्यादा आपने हैवी किस्म का सिलेबस स्टार्ट नहीं करना। चले जी। इस दश्त की स्याही में मुझे 20-22 साल हो गए हैं। आप जैसे बहुत सारे लोग आए गए माशाल्लाह, बहुत सारे क्वालिफाइड हैं, बहुत सारे नहीं भी कर सके क्वालिफाई। रीज़न क्या है लोग क्वालिफाई क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ एक है, और वो ये कि जो रेगुलर स्टडी होती है ना वो नहीं करते हैं आप लोग। आप लोग कोशिश करते हैं ये हम आखिरी मंथ में कर लेंगे, शायद हम एग्ज़ाम के पास जाके कोई मतलब एक्स्ट्रा किस्म की हमारी एफर्ट स्टार्ट हो जाएगी और हम क्वालिफाई कर लेंगे। ऐसे नहीं है। ये जो सिलेबस है ना आपका, ये इंतहाई टेक्निकल है। टेक्निकल इन द सेंस के वो एरियाज जो ऑलमोस्ट आपने पढ़े हैं बट आपको सही तरह से नॉर्मली नहीं पढ़े जाते। जैसे फ़र्ज़ करें आपके कैफ के सिलेबस में IFRS 15 है, IFRS 16 है, IFRS 9 है, IS 21 है, इवन कंसोलिडेशन भी अप टू सम एक्सटेंट है। बट अनफॉर्चुनेटली जो रट्टा होता है ना उसकी बेसिस पे आप पढ़ के आते हैं। और अभी हम थोड़ी देर में आपका करंट पेपर डिस्कस करेंगे, वेरी इजी पेपर, बट आप देखेंगे तो उसने सिलेबस की कुछ चीज़ छोड़ी नहीं है। और फिर स्टीरियोटाइप क्वेश्चन नहीं है, यानी ऐसे नहीं है कि पिछले एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन टेस्ट हुआ था या उससे पिछले एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन टेस्ट हुआ था उसकी कोई डिटो कॉपी आ जाएगी या पैटर्न सेम होगा। देर में भी डिफरेंस इन द पैटर्न एज वेल। तो ये जो है ना बेसिक कि आपको एप्लीकेशन जो है वो आनी चाहिए एग्ज़ाम में बैठे हुए IFRS की या किसी भी कॉन्सेप्ट की, वो बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम है। आप लोग जो जिस तरह से पढ़ के आते हैं CFAP के अंदर वो सही तरीका नहीं है। यानी उससे पेपर तो शायद आप पास कर जाते हैं बट अकाउंटिंग की जो सेंस है वो आपकी डेवलप नहीं होती है कि अकाउंटिंग करनी कैसे है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, और ये जो IFRS में पढ़ाए जा रहे हैं उसमें रट्टा नहीं लगाना, उसमें तो आपको ट्रांजैक्शन की बेसिकली जो इम्प्लीकेशन है उसकी जो एप्लीकेशन है अकॉर्डिंग टू द IFRS वो आपने करनी है। वहाँ पे जो है वो आपको स्टीरियोटाइप क्वेश्चन रटा दिए जाते हैं, उनके सोल्यूशन रटा दिए जाते हैं। और दिस इज़ अ मेजर रीज़न ऑफ द फेलर, के फेल जो बच्चे होते हैं नॉर्मली CFAP के अंदर आगे वो प्रॉब्लम ही यही है। अभी आप करंट पेपर मेरा ख्याल है आप में से किसी ने नहीं देखा होगा। ओके, अगर आप पेपर देखेंगे तो पेपर जो है ना वो आप कह लें कि सारी एप्लीकेशन है, यानी छोटी छोटी केस स्टडीज़ हैं, छोटे छोटे सिनेरियोज़ हैं जिनके अंदर आपने किसी पर्टिकुलर IFRS की एप्लीकेशन करनी है। अब अगर फ़र्ज़ करें आपने कोई स्टीरियोटाइप क्वेश्चन सॉल्यूशन रटे हुए हैं तो वो नहीं होगा आपसे। ठीक है, और फिर बच्चे जो हैं वो इस लेवल पे भी आके कोशिश करते हैं कि IFRS ना पढ़ने पड़े उनको। तो हम नॉर्मली एडवाइस करते हैं कि अगर आपकी अटेम्प्ट जो है वो नेक्स्ट नहीं है तो आप साथ IFRS पढ़ें ताकि आपको आदत पड़े, आपने ये डॉक्यूमेंट साथ लेके जाना है, वहाँ पे आपको ये हेल्प कर सकता है ये डॉक्यूमेंट। जैसे अभी मैं आपका पेपर देख रहा था तो उसमें मैंने देखा कि जो IFRS है अगर आपने पढ़े हों और अगर आपने फ़र्ज़ करें इतनी अच्छी तैयारी ना भी हो तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो कि आप वहाँ बैठ के भी, अगर आपको पता हो कि ये फ़लाँ स्टैंडर्ड की फ़लाँ रिक्वायरमेंट है तो आप वहाँ बैठ के भी उसको जो है वो पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। इतना को उसके अंदर था मटेरियल कि हो सकता था। बट फिर वही बात है कि हम नॉर्मली जो है IFRS पढ़ते नहीं हैं, हमें उनका पढ़ने का पता भी नहीं है कैसे पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉब्लम है कि जो जिस तरीके से आप अकाउंटिंग पढ़ते आए हैं ना वो तरीका ठीक नहीं है। और नॉर्मली चूंकि आदत हमारी पक्की हो चुकी होती है, ज़्यादा हम 3 पेपर अकाउंटिंग के पढ़ के आए हैं अभी तक। ठीक है जी, तो हमारी आदत पक्की हो गई हुई है कि अकाउंटिंग कैसे कर पढ़नी है या कैसे करनी है। तो वो आदत जो है जब तक आप उसको चेंज नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। ठीक है ना, इट्स ए वेरी टेक्निकल सिलेबस, वेरी वेरी टेक्निकल सिलेबस। ठीक है, ये और एग्जामिनर क्या करता है किसी स्टैंडर्ड के किसी एक पैराग्राफ में घुस जाता है,
और जाके उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता, एप्लीकेशन पूछ लेता। अब अगर आपने वो स्टैंडर्ड कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं पढ़ा और आपने सिर्फ पास पेपर्स के ऊपर कंसंट्रेट किया है, तो वो एक ऐसा एरिया होगा जो पहले पास पेपर्स में पूछा ही नहीं है एग्जामिनर ने, अब इस एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और वैसे भी ये आपका रिपोर्टिंग का ऑलमोस्ट फाइनल पेपर है, और अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट को अकाउंटिंग ही ना आती हो, कैसी बात है, क्या ख्याल है, इंटरेस्टिंग? लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं कि बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी नहीं आती है अकाउंटिंग, ठीक है जी। पर्टिकुलरली हमारे एक पुराने स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैंने जॉब के लिए एक फलां कंपनी में अप्लाई किया, तो आप ज़रा मेरी सिफारिश कर दें। उसका जो CFO था वो जानने वाला था, तो मैंने उसको कह दिया कि यार ये ज़रा बच्चा हमारा आ रहा है, तो इसका तो CFO का बाद में मुझे फ़ोन आया कि तुसी किनू भेजा है। मैं क्या क्या हुआ, कहते जी मैंने तो उससे पूछा कि IFRS 15 आपको आता है, कहता जी ये तो मेरे क्वालिफाई होने के बाद आया था, ये तो नहीं मुझे आता। अच्छा जी IFRS 16 आपको आता, नहीं जी ये भी बाद में आया था। अच्छा आपको IFRS 9 के बारे में ECL मॉडलिंग ये इसके बारे में कुछ, नहीं जी ये तो मैं मुझे तो क्वालिफाई किए हुए 6 साल हो गए, ये तो नहीं मुझे पता कैसे होता है, ठीक है जी। उसने कहा सर चलो ऐसे करते हैं, तुम्हें एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड आता है? हाँ जी, कहता है वो मुझे आता है। तो एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड उसने पूछना शुरू किया तो वो भी नहीं उसको आता था, एंड ही वॉज अप्लाइंग फॉर ए मैनेजमेंट पोजिशन जिसकी कोई 4-4.5 लाख रुपये तनख्वाह होनी थी और साथ 1300 CC गाड़ी होनी थी। अब सिफारिश से इंटरव्यू तो आपका हो गया है, बट पास भी आपने कर लिया हुआ है। तो ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है ना, ये जस्ट लाइक जैसे डॉक्टर्स नहीं होते और कि आपको कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ता है, अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं अपडेट रखेंगे, तो आप फिर भी आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे, ठीक है जी। अपॉर्चुनिटी वॉज देयर बट ही कांट क्वालिफाई ना। और फिर वो दोबारा मुझे मैसेज कर रहा है सर मेरा की बने है, मैं उसको क्या जवाब दूंगी यार तुम्हारा क्या बना है, ठीक है ना। तो ये बड़ा ज़रूरी है बेटा कि आप जो है ना आप चीज़ों को समझ के एग्जामिनेशन पास करना, यस दिस इज़ आवर प्रायोरिटी कि मैंने एग्जामिनेशन पास करना है, बट एग्जामिनेशन पास करने के लिए भी तो मुझे IFRS समझ में आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। हार्डली पीपल कम फॉर लर्निंग, यानी सीखने कोई नहीं आता, सही बता रहा हूँ आपको, ठीक है जी। मेजॉरिटी इस एटीट्यूड के साथ आते हैं जी हमने पेपर पास करना, ओके ये भी ठीक है, पेपर पास करने के लिए भी तो एफर्ट करनी पड़ेगी ना। शुरू में आप लोग आते हैं 2-3 वीक बड़े इंथुजियास्टिक होते हैं, पढ़ के आ रहे हैं, और जनाब कभी कभी कोई क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, बट 1.5-2-3 वीक के बाद क्या होता है, बिल्कुल साइलेंस, ना कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना कोई करके आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही फारग सारे हो जाते हैं। वजह क्या है, क्या आप समझते हैं शायद कि मैंने 1 हफ्ता मेहनत कर ली है, 2 हफ्ते मेहनत कर ली है, तो शायद यही जो है ना वो मुझे पास करवा देगा, ऐसे नहीं है, ये कंटिन्यूस एफर्ट है, ठीक है जी। तो अभी हम स्टार्ट में ना एक तो आपके सब सिलेबस का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, इसमें है क्या, ठीक है। पेपर पास करना इज़ वेरी इजी नाउ, वजह क्या है कि 6 या 7 स्टैंडर्ड है। मैंने जो पिछली क्लास यहाँ पे की थी जिन बच्चों के लिए, मैं उसका क्लिप आपसे शेयर करूँगा कि मैंने कहा ये 6-7 टॉपिक कर लो, ये आपका पेपर है। कैन यू बिलीव के 80% पेपर जो है, 90% पेपर उन्हीं टॉपिक्स में से आया है। वजह क्या है कि आना ही उन्हीं में से, मैं कोई मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई हार्म हुआ है, आना ही उन्हीं में से, ठीक है ना। बट दे आर वेरी टेक्निकल, यू कैन से IFRS पढ़ना आसान नहीं है, उनको समझना आसान नहीं है, उनके एप्लीकेशन करना आसान नहीं है, ठीक है ना। बट आप में से हार्डली लोग होते हैं जो लर्न करने आते हैं, समझने आते हैं, ठीक है जी। तो लेट्स हैव ए डिस्कशन ऑफ द सिलेबस, साथ हम थोड़ी थोड़ी आपको सिलेबस के जो डिफरेंट IFRS हैं उनका एक इंट्रोडक्शन भी देंगे, शायद आपसे भी पूछेंगे कि आपने क्या पढ़ा था इन IFRS में, क्या ख्याल है, कुछ पढ़ा ही होगा ना जी, कुछ सुना होगा, क्या ख्याल है जी, ठीक है जी। तो कतन आपको ऑफेंड करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, अगर नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है जी, ऐसी कौन सी बात है। तो आपने सिलेबस भी चेक किया हमारा कि नहीं, यानी आपके कोर्स में क्या है, नहीं किया, ओके कोई बात नहीं।
ये हम आपको ना भिजवा भी देंगे, और हमने आपके पास पेपर्स का एक एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है जी, जो मोस्ट रीसेंट अटैम्प्ट हैं, यानी पिछले 2-3 अटैम्प्ट हैं वो ज़्यादा रेलिवेंट हैं, बट इसमें 2008 से ऑनवर्ड सारा एनालिसिस है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या थे और क्या कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन टेस्ट हुआ था। बट नया सिलेबस जो है ना वो अब तो तकरीबन ऐसे हो गया है कि हर जो अटैम्प्ट आती है ना जी उसका सिलेबस जो है वो एग्जामिनर नया ही दे रहा होता है। जैसे अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है, तो समर 2022 का जो सिलेबस था वही मोस्ट प्रोबेबली विंटर का होगा, क्योंकि अभी कोई उन्होंने नई अपडेट नहीं दी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका सिलेबस है ना बेटा, ये 5 एरियाज में डिवाइडेड है, ठीक है जी। यानी जब हम AFR के सिलेबस की बात करते हैं तो ये 5 एरियाज में डिवाइडेड है। ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी, डी और ई पार्ट है, ठीक है जी। और ये तो आपको पता ही है कि इसके 100 मार्क्स होंगे, तो 100 मार्क्स का पेपर होगा, बट इसके अंदर इस तरह से ये 5 इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर आपसे टेस्टिंग आनी है। पहला जो एरिया है इसको हम बेसिकली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम देते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये 25 to 30 मार्क्स का एरिया होता है, ठीक है जी। अब नॉर्मली आप लोग जो हैं जब कैफ लेवल पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती हैं वो पढ़ के आते हैं, पढ़ के आए ना जी। एनी पर्सन जिसने ना पढ़ी हो, जिसने बहुत पुराना पढ़ा होगा, ज़्यादा उसने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ी होंगे, हैं जी आप में से जिन्होंने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैफ लेवल पे नहीं पढ़ी हुई? क्या सब ने पढ़ी हुई है? पढ़ी हुई है आपने? कोई बात नहीं, पढ़ी हुई है। चलें, इसका मतलब ये हुआ कि आसानी होगी हमें आपको समझाने में और बताने में। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो सबसे बेसिक स्टैंडर्ड है वो दो हैं, एक IFRS 3 है और एक IFRS 10 है, ठीक है जी। IFRS 3 जो है वो डेट ऑफ एक्विजिशन अकाउंटिंग बताता है। क्या होती है डेट ऑफ एक्विजिशन अकाउंटिंग? ओके, और ओके, डेट ऑफ एक्विजिशन बेसिकली वो डेट है जिस पे एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के ऊपर कंट्रोल अक्वायर कर लेती है, दैट डेट इज कॉल्ड एज डेट ऑफ एक्विजिशन। अब जो डेट ऑफ एक्विजिशन की अकाउंटिंग होती है वो हमेशा अक्वायरर ने करनी होती है। किसने करनी होती है? अक्वायरर ने। तो सबसे पहला काम यही होता है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई हु इज द अक्वायरर एंड हु इज द अक्वायरी, क्लियर। और इससे भी पहला काम ये होता है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये बिजनेस कॉम्बिनेशन भी है कि नहीं है, इज इट ए बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसको बिजनेस कॉम्बिनेशन कहेंगे कि नहीं कहेंगे, और कैसे एक एसेट एक्विजिशन जो है उसको बिजनेस कॉम्बिनेशन से अलहदा करते हैं, ये पहला क्वेश्चन होगा। इफ इट्स ए बिजनेस कॉम्बिनेशन देन अगला क्वेश्चन मार्क ये होता है कि फिर इसमें एक्वायरर कौन है और एक्वायरी कौन है, क्योंकि एक्वायरर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को डिटर्मन करना होता है और एक्वायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसके नेट एसेट्स को आइडेंटिफाई करना होता है। फिर आपने जाहिर है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स से कंपेयर करना होता है और गुडविल या बार्गेन परचेज गेन आपने कैलकुलेट करना होता है। और फिर वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ एंटिटीज़ होती हैं जो होली ओन्ड होती हैं और कुछ एंटिटीज़ जो होती हैं वो पार्टली ओन्ड होती हैं, तो फिर आपने डेट ऑफ एक्विजिशन पे ये भी डिटर्मन करना है कि ये होली ओन्ड सब्सिडरी है या पार्टली ओन्ड सब्सिडरी है। और फिर अगर ये पार्टली ओन्ड है तो फिर आपको डेट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को भी आइडेंटिफाई करना होता है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो डेट ऑफ एक्विजिशन पे होता है उसको दो तरह से मेजर करते हैं, वन इज़ द प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ नेट एसेट एंड द अदर इज़ द फेयर वैल्यू ऑफ द एक्विटी इंटरेस्ट होल्ड, ठीक है। और फिर जाहिर है कि डेट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर आपने जो सब्सिडरी कंपनी है उसके जो नेट एसेट्स की कैलकुलेशन है या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द एक्वायरर है उसकी कैलकुलेशन है, तो उसको आपने एक गिवन टाइम के अंदर कंप्लीट करना होता है, जिसको हम मेजरमेंट टाइम या मेजरमेंट पीरियड कहते हैं। तो ये जो बेसिकली IFRS 3 है ये डेट ऑफ एक्विजिशन अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है, यानी सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना कि
ये बिजनेस कॉम्बिनेशन है या ये एसेट एक्विजिशन है, फिर एक्वायरर को आइडेंटिफाई करना और अक्वायरी को आइडेंटिफाई करना, फिर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द अक्वायरर्स पॉइंट ऑफ व्यू डिटर्मन करना और नेट एसेट्स ऑफ द अक्वायरी को डिटर्मन करना, ठीक है, फिर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना, और फिर जाहिर है कि आपने ये सारी कैलकुलेशन जो होती हैं वो एक विद इन ए फ्रेमवर्क, विद इन ए टाइम फ्रेमवर्क आपने कम्प्लीट टाइम पीरियड कम्प्लीट करनी होती हैं, तो उसको हम मेजरमेंट पीरियड कहते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो IFRS 3 आपको इन्फॉर्मेशन देता है। IFRS 10 जो है ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि जब डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद आपने पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऐड करना है तो ऐड करने के प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्लियर। और नॉर्मली जो ऐड करने के प्रिंसिपल्स हैं उस प्रिंसिपल को हम SEE यानी सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं, यानी आफ्टर कंसॉलिडेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द अक्वायर्ड एंड अक्वायरी दे शुड लुक लाइक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए वन एंटिटी, वो एक एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगनी चाहिए, इसको हम सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। और यही वजह है कि जब हम कंसोलिडेशन कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, जो उनके आपस के बैलेंसेज होते हैं वो हम एलिमिनेट कर देते हैं, या जो गेन्स एंड लॉसेज ऑन द ट्रांजेक्शन होते हैं उनको भी एलिमिनेट कर देते हैं, ताकि दे शुड लुक लाइक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए सिंगल एंटिटी, वो एक एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको लगें। इसके अलावा इसी एरिया में जो स्टैंडर्ड्स हैं जो आपने पढ़ने हैं वो IAS 27 है, IAS 28 है, IFRS 11 है, IFRS 12, ये हैं जी आपके, ठीक है जी। और फिर इसके साथ जो है यहाँ IAS 21 भी आपके कोर्स में है, ठीक है जी। तो यूँ आपके जो है ये एरिया जो है वो 25 to 30 मार्क्स का बनता है। IAS 27 जो है वो डील करता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द इन्वेस्टर, यानी इन्वेस्टर कौन हो सकता है, ऐसा इन्वेस्टर जो अदर देन द ऑर्डनरी इन्वेस्टमेंट होता है। ऑर्डनरी इन्वेस्टमेंट की जो अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर है वो IFRS 9 में कवर्ड है। तो अदर देन ऑर्डनरी इन्वेस्टमेंट यानी अगर आप इन्वेस्टर इन सब्सिडरी हैं तो यू आर ए पेरेंट एंड सब्सिडरी कंपनी रिलेशनशिप, अगर आप इन्वेस्टर इन एसोसिएटेड कंपनी हैं तो इट्स इन्वेस्टर एंड एसोसिएटेड कंपनी रिलेशनशिप, और अगर आप जॉइंट वेंचरर इन ए जॉइंट वेंचर हैं तो ये जॉइंट वेंचरर एंड जॉइंट वेंचर रिलेशनशिप होता है। तो बेसिकली जो इन्वेस्टर है यानी वो पेरेंट कंपनी है, इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर है वो जॉइंट वेंचरर है, तो उन्होंने अपनी जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है उनके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएटेड कंपनी जॉइंट वेंचर उसको कैसे वैल्यू असाइन करनी है इज बेसिकली कवर्ड इन IAS 27। एंड देन IAS 28 जो है इट डील्स विद एक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली एक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी यूज़ हो सकता है और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी, जब एक आपकी एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट है या आपकी जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट है तो उसके ऊपर भी एक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग लगता है। और ये आपने कैफ लेवल पे पढ़ा भी होगा, ठीक है जी, कि नॉर्मली हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट अगर ऐड कर दें ऑफ द इन्वेस्टी तो उसको हम एक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। तो IAS 28 जो है वो एक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग को डील करता है कि एक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है वो कैसे अप्लाई होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो जो IFRS 11 है ये जॉइंट ऑपरेशन को डील करता है। जॉइंट ऑपरेशन का मतलब होता है कि अगर किसी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक से ज़्यादा पार्टीज जो हैं वो जॉइंटली कंट्रोल कर रही हूँ तो उसको हम जॉइंट ऑपरेशन कहते हैं। जॉइंट ऑपरेशन जो होते हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इंटू जॉइंट वेंचर्स एंड जॉइंट अरेंजमेंट्स, और जॉइंट अरेंजमेंट्स जो होते हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इंटू जॉइंट वेंचर्स एंड जॉइंट ऑपरेशंस। तो ये जो IFRS है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि कब हम एक जॉइंट अरेंजमेंट को जॉइंट ऑपरेशन कहेंगे और कब हम एक जॉइंट अरेंजमेंट को जॉइंट वेंचर कहेंगे। उसके बाद IFRS 12 जो है ये डील करता है डिस्क्लोजर्स को, यानी जो इन्वेस्टर है उसने अगर किसी इन्वेस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में व्हाट टाइप ऑफ डिस्क्लोजर्स जो है वो प्रोवाइड करेगा रिगार्डिंग दोज इन्वेस्टमेंट्स, तो वो IFRS 12 में कवर्ड है। IAS 21 जो है ये डील करता है दो एरियाज को, नंबर वन ऐसे इवेंट्स और ट्रांजेक्शन जो डेजिग्नेटेड हैं फॉरेन करेंसी, या ऐसे ऑपरेशंस जो फॉरेन करेंसी में, जैसे अगर आपकी कोई एसोसिएटेड कंपनी
फॉरेन ऑपरेशन है, आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी फॉरेन ऑपरेशन है, या आपका कोई जॉइंट वेंचर फॉरेन ऑपरेशन है, तो फिर जाहिर है कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी आपने अपने साथ ऐड करना है, या उसके ऊपर आपने एक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग अप्लाई करना है। तो देन जहाँ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगी, फिर उनको कैसे डील विद करते हैं। डू यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी, करेंसी का कॉन्सेप्ट जानते हैं, कितनी तरह की करेंसीज होती हैं जी? तीन तरह की, वेरी गुड। कौन कौन सी? फंक्शनल, फॉरेन और प्रेजेंटेशन करेंसी, ठीक है। और फंक्शनल करेंसी क्या होती है? जो आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है उसकी जो करेंसी होती है उसको हम फंक्शनल करेंसी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप अपनी फंक्शनल करेंसी के अलावा किसी करेंसी में ट्रांजैक्शन को डेजिग्नेट करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप फॉरेन करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शन को डेजिग्नेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो IS-21 है, ये फिर उन ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को भी डील करेगा जो कि फॉरेन करेंसी में है, और उन ऑपरेशंस को भी डील करेगा जो कि आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में नहीं है, बल्कि वो किसी और इकोनॉमिक, यानी इन्वेस्टर के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में नहीं है, किसी दूसरे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में फॉल करते हैं। तो ज़ाहिर है उनके जो रिजल्ट्स होंगे, उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन होगी, दैट विल बी इन फॉरेन करेंसी, वो फॉरेन करेंसी के अंदर होगी। ओके जी, ये एरिया जो है ये आपका 25 to 30 मार्क्स का एरिया है। लेट मी चेक के कोई और इसके अंदर IFRS फॉल ना कर रहा हो। जी वो भी इसी के अंदर ही है, यानी जो कंसोलिडेटेड कैश फ्लोज हैं वो भी इधर ही फॉल करेंगे IS-7 के अंदर, ठीक है जी। तो ये जो एरिया है वो आपका 25 से 30 नंबर का जो एरिया है वो है। अच्छा, जो नेक्स्ट एरिया है वो आपका है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का एरिया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। बेसिकली ये वो एरिया है जो आपको पास कराएगा या फेल करवाएगा, और ये सबसे ज़्यादा टेक्निकल पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड है, इसको हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। इसके अंदर जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन से हैं? एक तो IS-32 है, फिर आपका IFRS-9 है, फिर आपका जो है IFRS-7 है, और फिर इसके अंदर उन्होंने कुछ मजीद एरियाज़ को भी शामिल किया हुआ है, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे IS-21 दोबारा लिखा होगा, और IS-36, जी IS-36 और IS-21, IS-36 IS-21, मेरा ख्याल अभी और नहीं है शायद, हाँ जी IFRIC 16 and 19, और इसके जो टोटल मार्क्स हैं मेरा ख्याल शायद 25 नंबर हैं, नहीं जी 30 to 35 मार्क्स का ये एरिया बनता है जी, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखें तो बड़े लिमिटेड से स्टैंडर्ड्स हैं, क्या ख्याल है? क्या होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? बॉन्ड्स, वेरी गुड। और इक्विटी इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही है जी। डिबेंचर्स यानी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज भी आ गए। ओके, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं बेसिकली फाइनेंशियल, जैसे नाम से जाहिर है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की, इंस्ट्रूमेंट यहाँ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के मानी में आता है, और फाइनेंशियल का मतलब है बेसिकली फाइनेंशियल रिस्क, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट करता हो, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क जो होते हैं वो फर्दर तीन तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं कि ये हमारा रिस्क फाइनेंशियल रिस्क है क्योंकि ये क्रेडिट रिस्क है, जैसे डेटर जो है वो अपने क्रेडिटर के ऊपर क्रेडिट रिस्क इम्पोज कर रहा होता है। सिमिलरली अगर आप किसी बैंक के डिपॉजिट होल्डर्स हैं तो बैंक आपके ऊपर क्रेडिट रिस्क इम्पोज कर रहा है, और अगर आप किसी बैंक के बॉरोअर हैं तो जाहिर है आप बैंक के ऊपर क्रेडिट रिस्क इम्पोज कर रहे होते हैं। तो ये फाइनेंशियल रिस्क है जिसको हम क्रेडिट रिस्क कहते हैं। दूसरा जो फाइनेंशियल रिस्क है उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब ये होता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है,
इसको जब हम सेल करने जाएंगे तो हो सकता है ये जितनी वैल्यू का ये इंस्ट्रूमेंट हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया हुआ है, इतने पैसे हमें रियलाइज ना हो। क्लियर? तो ये हमारा रिस्क कौन सा हो गया? लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है, और तीसरा रिस्क होता है, इसको हम कहते हैं मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क जो होता है वो फर्दर तीन तरह के रिस्क में डिवाइडेड होता है। एक को हम कहते हैं फेयर वैल्यू रिस्क, एक को हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क, और तीसरे को हम कहते हैं करेंसी रिस्क। ठीक है, तो बेसिकली अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क या मार्केट रिस्क तीनों में से कोई एक हो या एक से ज़्यादा हो, तो हम कहते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो हमारे ऊपर क्या क्रिएट कर रहा है? फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें पार्टीज जो टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो एक दूसरे के ऊपर फाइनेंशियल रिस्क इम्पोज करते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कह देते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, वो सबसे पहले IS-32 उनको डील करता है। IS-32 जो है वो सिर्फ क्लासिफिकेशन की बात करता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो फर्दर तीन तरह की क्लासेस में डिवाइड होता है। वन इज फाइनेंशियल एसेट, अदर इज फाइनेंशियल लाइबिलिटी, एंड थर्ड वन इज एक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली ये जो IS-32 है, ये डिवाइड करता है कि ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये इस एंटिटी के पर्सपेक्टिव में फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, या ये एक्विटी कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये स्टैंडर्ड जो है वो बेसिक डेफिनेशंस देता है, बेसिक क्लासिफिकेशन क्राइटेरियाज देता है कि हाउ टू क्लासिफाई एन इंस्ट्रूमेंट इनटू फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी और एक्विटी कॉन्ट्रैक्ट। और फिर इसी तरह इनके ऊपर कोई रिटर्न है तो उसकी बात करता है कि ये रिटर्न आपने कहाँ रिकग्नाइज करना है, वेदर दैट विल बी पार्ट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम, और इट विल बी डायरेक्टली रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी, उसकी बात करता है। और फिर ये रूल्स आपको देता है कि वेन टू ऑफसेट, यानी किसी फाइनेंशियल एसेट को किसी फाइनेंशियल लाइबिलिटी के साथ अगर आपने ऑफसेट करना है तो उसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे। तो यहाँ पे IS-32 में ये एरियाज कवर्ड है। फिर जो IFRS 9 है, वो बेसिकली सिर्फ फाइनेंशियल लाइबिलिटी और फाइनेंशियल एसेट को डील करता है, वो एक्विटी इंस्ट्रूमेंट को डील नहीं करता। ये भी बात याद रखनी है कि एक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो है वो इश्यूअर के पर्सपेक्टिव में होता है, यानी अगर किसी इश्यूअर के पर्सपेक्टिव से वो एक्विटी इंस्ट्रूमेंट है तो वो IS-32 उसको डील करेगा, बट बीइंग एन इन्वेस्टर मेरे लिए वो फाइनेंशियल एसेट बन जाता है, तो उसके लिए मुझे IFRS 9 ही देखना पड़ेगा। यानी अगर आपके लिए ये एक्विटी इंस्ट्रूमेंट है तो मेरे लिए क्या है? फाइनेंशियल एसेट। तो मैंने अपनी अकाउंटिंग किसके अकॉर्डिंगली करनी है? IFRS 9 के अकॉर्डिंगली। आपने अपनी अकाउंटिंग किसके अकॉर्डिंगली करनी है? IS-32 के लिए। क्लियर? आई बात समझ गया? नहीं तो बेसिकली ये जो IFRS 9 है, ये फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी की अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है। अब इसके आगे बहुत सारे एरियाज हैं, मल्टीपल एरियाज हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल लाइबिलिटी और फाइनेंशियल एसेट की क्लासिफिकेशन है, फिर आया क्लासिफिकेशन रीक्लासिफाई हो सकती है कि नहीं हो सकती है, फिर उसकी इनिशियल मेजरमेंट है, फिर सबसीक्वेंट मेजरमेंट है, फिर डी रिकग्निशन है, फिर उसके साथ इम फाइनेंशियल एसेट के ऊपर इम्पेयरमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं, फाइनेंशियल लाइबिलिटी के ऊपर जो है वो रिस्ट्रक्चरिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है जी, रीनिगोशिएशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो सारे फिर हेजिंग इसके अंदर जो है वो आप डिस्कस करते हैं। तो इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी यू कैन से डिफिकल्ट एरिया। एंड देन IFRS 7 जो है वो सिर्फ डिस्क्लोयर्स हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के डिस्क्लोयर्स हैं उनको IFRS 7 डील करता है। IS-36 जो है वो इम्पेयरमेंट को डील करता है, लेकिन इम्पेयरमेंट एक है फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर इम्पेयरमेंट, वो तो कवर्ड है IFRS 9 के अंदर, लेकिन अदर देन फाइनेंशियल एसेट्स जो इम्पेयरमेंट टेस्ट होता है वो फिर IS-36 में कवर्ड है। यानी किसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे इम्पेयरमेंट टेस्ट है, या किसी इनटेंजिबल एसेट पे इम्पेयरमेंट टेस्ट है, या गुडविल के ऊपर इम्पेयरमेंट टेस्ट है, तो वो फिर IS-36 के अकॉर्डिंगली होता है। फिर इसी तरह IS-21 यहाँ पे इसलिए गिवन है कि कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो होंगे वो भी फॉरेन करेंसी में डेजिग्नेटेड होंगे, तो फिर उनको कैसे डील करना है। और फिर IFRIC 16 और 19 हैं, ये भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं। ठीक है, IFRIC 16 और 19 जो हैं, 16 तो डील करती है आई थिंक जो आपके कस्टमर्स होते हैं, अगर वो आपको इन काइंड सेटलमेंट दे दें तो उसको कैसे डील करना है। और ये जो IFRIC 19 है लिखा हुआ है, इसके पीछे कुछ आपके पास है कि नहीं है? यहाँ से देख लेते हैं, शायद कुछ लिखा हो, वरना फिर हम बाद में देख लेते हैं।
जेन से निकल गई है अभी जी। ये है जनाब, ने बस ऐसे ही फ्रिक 16 एंड 19 ही लिखा हुआ है, तो फिर ये बाद में देख लेते हैं। एंड देन बेटा आपके पास जो है वो इसके साथ जो है वो इफ्रिक 21 भी है, एंड इफ्रिक 21 इसके साथ है जी। लेकिन अब ये आपका एरिया जो है वो 30 to 35 मार्क्स का है। एंड देन सी एरिया जो है वो अदर अकाउंटिंग इश्यूज हैं, आई थिंक यही इसकी हेडिंग है शायद, अदर रिपोर्टिंग या अदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अदर्स का नाम है, ठीक है। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ भी बड़े टेक्निकल IFRS हैं। जैसे सबसे पहले जो है वो IAS 12 है, जानते हैं आप, पढ़ा हुआ है आपने, डिफर टैक्स आता है, आप एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट एरिया है। इस अटैम्प्ट में तो एग्जामिनर ने नहीं पूछा, क्योंकि इससे पिछले वाली अटैम्प्ट में एग्जामिनर ने तकरीबन को 20-22 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। तो इट्स ए वेरी टेक्निकल, और वो एरिया जो यानी IAS 12 जो है वो नॉर्मली बच्चों का वीक होता है, क्योंकि उन्हें रटे लगाए होते हैं, ठीक है जी। टैक्सेबल या डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस को रटा लगाया होता है कि ये टैक्सेबल है ये डिडक्टेबल है, पता कोई नहीं होता कि टैक्सेबल क्यों है और डिडक्टेबल क्यों है। उसके बाद जो है यहाँ पे IFRS 2 है और IAS 19 है, ठीक है जी। IFRS 2 जो है वो शेयर बेस्ड पेमेंट्स को डील करता है, यानी अगर फ़र्ज़ करें आपने किसी क्रेडिटर से कोई गुड्स ले ली हैं या कोई सर्विसेज ले ली हैं और आपने उसको अपने शेयर्स में सेटल करना है, या पेमेंट तो आपने कैश में करनी है बट जो कैश की पेमेंट है वो वैल्यू ऑफ शेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, या आपने कोई ऑप्शंस दे दिए हैं कि दिस में बी सेटल्ड इन कैश मे बी इन शेयर्स, इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कंपनी अपने ही शेयर्स में सेटलमेंट की बात कर रही होती है अपने एम्प्लॉयज़ या अपने क्रेडिटर्स के साथ, तो उसको हम शेयर बेस्ड पेमेंट्स या IFRS 2 इसको डील करेगा। फिर इसी तरह IAS 19 है, ठीक है जी, और इसके साथ जो है एक IFRIC भी है 14, IFRIC 14। तो ये जो है वो एम्प्लॉई बेनिफिट्स हैं, यानी जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को सर्टन बेनिफिट्स ऑफर करते हैं, कुछ बेनिफिट्स जो होते हैं वो तो ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट आप ऑफर भी कर रहे होते हैं और पे भी कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो आप उसकी एम्प्लॉयमेंट के बाद उसको ऑफर कर रहे होते हैं, यानी पेमेंट बाद में हो रही होती है, क्लियर। तो ये जो IAS 19 है ये आपको बताता है कि ये जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं इनको आपने कैसे अकाउंट फॉर करना है, इनकी अकाउंटिंग कैसे होगी, ये सारे एरियाज जो हैं वो यहाँ पे कवर्ड हैं। फिर इसी तरह यहाँ पे कुछ और IFRS भी हैं, जैसे IFRS 5 है, पढ़ा हुआ जी आपने IFRS 5? IFRS 5 जो है वो डील करता है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, यानी अगर आपका कोई एसेट था वो हेल्ड फॉर यूज था बट लेटर ऑन आपने उसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया है, तो वो IFRS 5 में फॉल करता है। या एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जो यहाँ भी रेलेवेंट हो जाएगा कंसोलिडेशन में भी, और इस दफ़ा भी एग्जामिनर ने पूछा है, और वो ये कि सम टाइम एक ग्रुप जो है वो किसी सब्सिडरी कंपनी को डिस्पोज ऑफ कर देता है, तो वो फिर ग्रुप के लिए डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बन जाता है। तो ये एरिया ये जो IFRS 5 है ये डील करता है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल को, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को और डिस्पोजल ग्रुप को। डिस्पोजल ग्रुप क्या होता है कि अगर एक से ज़्यादा एसेट्स और इवन सर्टन लाइबिलिटीज़ आप एज ए पैकेज सेल करने चले जाएं तो उसको हम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का नाम दे देते हैं, सॉरी डिस्पोजल ग्रुप का नाम दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है एक और स्टैंडर्ड जो है वो IFRS 15 है और फिर IFRS 16 है। IFRS 15 जो है ये दो स्टैंडर्ड जो है वो एग्जामिनर के आजकल मोस्ट फेवरेट स्टैंडर्ड हैं और हर पेपर में आपको नज़र आते हैं, क्लियर। IFRS 15 जो है वो रेवेन्यू की बात करता है विद द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स की बात करता है, और एक ये 5-स्टेप अप्रोच देता है रेवेन्यू रिकग्निशन के लिए। डू यू नो वो 5-स्टेप अप्रोच क्या है जी? क्या है 5-स्टेप अप्रोच जी? जी हाँ जी जी
ओके जी ठीक। पांच फर्द बेसिक स्टेप्स हैं। नंबर वन इज आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, नंबर टू आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, नंबर थ्री इज आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, नंबर फोर इज एलोकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन प्राइस, यानी अगर एक से ज़्यादा डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हूँ तो फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को एलोकेट भी करना होता है। एंड द लास्ट वन इज़ द रिकग्निशन ऑफ द रेवेन्यू, और रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू जो होता है वो या एट द पॉइंट ऑफ टाइम होता है या फिर ओवर द टाइम होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। IFRS 16 जो है वो लीजेज को डील करता है, और ज़ाहिर है कि लीजेज इन द बुक्स ऑफ लेसर्स भी हैं और लीजेज इन द बुक्स ऑफ लेसीज भी हैं, तो ये उसको डील करता है। उसके बाद यहाँ IS 24 है, तो हियर इज IS 24 आ जाएगा इसके अंदर, एंड देन IS 34 है। IS 34 जो है वो इंटरनल रिपोर्टिंग है, और IS 24 जो है वो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स है, ठीक है जी। लेकिन आप इसके जो टोटल मार्क्स हैं जी 25-30% जो है वो ये मार्क्स हैं। तो अगर आप देखें लोअर, अगर हम ले लें लोअर एरिया ले लें 25 और 30 55 55 और 25 80 80 नंबर जो हैं वो यहाँ फॉल करते हैं, और ये सारे के सारे IFRS हैं, ठीक है जी। और फिर ये जो डी एरिया है ये स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है जी, कि कुछ इंस्टीट्यूशंस या एंटिटीज़ ऐसी हैं जिनके लिए SEC ने आप कह लें कि फॉर्मेट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने फॉर्मेट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उनके सर्टन नोट्स के फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, तो वो आपको याद होने चाहिए और वो आपने। अच्छा, इसमें एक जो है वो पहला एरिया तो IS 26 है। IS 26 जो है वो रिपोर्टिंग बाय एम्प्लॉई बेनिफिट प्लान है, यानी कोई ग्रेजुटी फंड है उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दिखानी है, या प्रोविडेंट फंड है उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दिखानी है, तो उसकी जो ग्रेजुटी फंड या प्रोविडेंट फंड की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कैसे बनती हैं। उसमें नॉर्मली दो स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं, एक को स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट कहते हैं और एक को स्टेटमेंट ऑफ मूवमेंट एंड नेट एसेट करते हैं। बनाई है कभी आपने? बनाई हुई है, ओके। फिर इसके बाद जो है वो बैंक्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है जी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने, उसने बैंकों के लिए जो है वो रेगुलेशंस दी हुई हैं, फॉर्मेट्स दिए हुए हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने कैसे बनानी है। और इसी तरह इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ठीक है जी। इसी तरह जो है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है जी, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। तो ये जो चार हैं वो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। इसमें कुछ छोटी छोटी बातें और भी हैं, जी। इसके साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो हैं कि इसके अंदर जो है एंड IFRS फॉर SMEs भी हैं, कुछ IFRS भी हैं, जैसे IFRS 1 है, IFRS 6 है, 14 है, और एक और है, यस 14 IFRS 17 है, ठीक है जी, ये भी स्पेशलाइज्ड में फॉल कर जाते हैं। तो IFRS फॉर SMEs का मतलब ये है कि जो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने स्टैंडर्ड पब्लिश किए हुए हैं, तो वो सारे नहीं आपको याद करने, उनके जो डिफरेंसेस हैं विद द मेन IFRS वो आपको पता होने चाहिए। इस तरह IFRS 1 जो है वो फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, कि अगर आप पहली दफ़ा IFRS फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो देन आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या एक्सटेंडेड डिस्क्लोजर्स देने हैं, वो है। फिर IFRS 6 जो है ये डील करता है E&E एसेट्स को, जिनको हम एक्सप्लोरेशन
एंड एवेल्युएशन एसेट्स कहते हैं, माइनिंग वगैरह से रिलेटेड जो एसेट्स हैं उनकी बात करता है। फिर IFRS 14 जो है ये रेट रेगुलेटेड एंटिटीज़ होती हैं, यानी रिपोर्टिंग वगैरह रेट रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं। जैसे हमारे यहाँ ये जो आपकी यूटिलिटी कंपनीज हैं लाइक सुई नॉर्दर्न है, सुई साउदर्न है या लेस्को है, ये इस तरह की कंपनीज जो होती हैं इनको रेट रेगुलेटेड एंटिटीज़ कहते हैं। यानी इनका जो आउटपुट है या जो सर्विस होती है उसका गवर्नमेंट ने टैरिफ डिटर्मन किया होता है, उस टैरिफ के ना डिफरेंट इनपुट्स होते हैं, तो उन इनपुट्स के अंदर बहुत सारे इनपुट्स ऐसे होते हैं जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, बट गवर्नमेंट अलाउ करती है कि ये जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं ये भी आप कंज्यूमर से रिकवर कर सकते हैं ओवर सो मैनी ईयर्स। तो इस तरह जो है वो सर्टन रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो होते हैं वो भी उसकी बैलेंस शीट का पार्ट बन जाते हैं। तो फिर ऐसी एंटिटीज़ को रेट रेगुलेटेड एंटिटीज़ कहते हैं और वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी उनकी बैलेंस शीट में अकाउंट फार हो सकते हैं। IFRS 17 जो है इट्स ए न्यू कॉन्सेप्ट के जो पहले इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते थे उनकी अकाउंटिंग IFRS 4 में थी, अब जो नया स्टैंडर्ड पब्लिश हो गया IFRS 17 इट विल बी डीलिंग विद इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को डील करेगा कि इनसे रिलेटेड रेवेन्यू रिकॉग्निशन वगैरह कैसे होनी चाहिए। अच्छा, IFRS 17 जो है इसकी एप्लीकेशन डेट जो है वो 1 जनवरी 2023 से है, तो अभी तक तो एग्जामिनर ने कभी इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं पूछी, लेकिन अब इसकी एप्लीकेशन डेट पास आ रही है तो देर इज़ ए चांस कि इसके ऊपर कोई छोटा सा 5, 6 नंबर का 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सके। ठीक है जी, क्योंकि इस एरिया में मैक्सिमम मार्क्स जो है ना वो हैं ही 10 to 15, तो इसलिए इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। ठीक है जी, तो वो 5-6 नंबर का क्वेश्चन जो है हो सकता है IFRS 17 पे आ जाए। अच्छा, यहाँ जो है कुछ और एरियाज भी हैं, हैव यू एवर हर्ड IPSAS, IPSAS इनको कहते हैं, इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं, तो इनकी भी एक इंट्रोडक्शन लेवल की इंट्रोडक्टरी लेवल का नॉलेज जो है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी, इनको हम इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। ये फर्दर दो तरह के स्टैंडर्ड्स में डिवाइडेड होते हैं, एक कैश बेसिस और एक आपके अक्रूअल बेसिस, ये दो तरह के होते हैं, कैश बेसिस एंड अक्रूअल बेसिस। ओके, आखिरी एरिया जो इसके अंदर है वो है इस्लामिक स्टैंडर्ड्स। तो अभी तक जो है वो ICAAP ने 3 इस्लामिक स्टैंडर्ड इशू किए हुए हैं। ठीक है जी, एक जो है वो इजारा के ऊपर है, एक मुराबा के ऊपर है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अरेंजमेंट्स के ऊपर है। इनका भी एक इंट्रोडक्टरी लेवल जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। इस दफ़ा एग्जामिनर ने बैंक्स की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा। ठीक है जी, आखिरी एरिया जो है वो एथिक्स का है। ठीक है जी, और ये 5 से 10 नंबर का एरिया है जो एथिक्स के ऊपर है। एथिक्स बेसिकली वो जो हमारे बेसिक 5 हैं कि 6 हैं, ऑब्जेक्टिविटी और 5, जो 5 बेसिक हमारे एथिक्स के प्रिंसिपल्स हैं। कोई बताएगा ऑब्जेक्टिविटी और क्या है? प्रोफेशनल ड्यू केयर और कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। ये जो 5 हैं बेसिकली इनके ऊपर सर्टन थ्रेट्स क्या हैं बीइंग एन अकाउंटेंट, नॉट एज ए ऑडिटर, बीइंग एन अकाउंटेंट इनके ऊपर थ्रेट्स क्या हैं? हाँ, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट और एडवोकेसी और कुछ और है एक दो हैं, सेल्फ रिव्यू। हाँ, यह सब तो इम्पोर्टेंट है कि आपको इसका बेनिफिट मिलना है जी, आपकी प्रमोशन होनी है। ठीक है ना, तो ये जो थ्रेट्स हैं ये आपने आइडेंटिफाई करनी है किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में। ठीक है, कि ये जो आपके बेसिक 5 ऑब्जेक्ट वो हैं, क्या उनको कहते हैं, हमारे जो बेसिक 5 प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर जो थ्रेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उन थ्रेट्स के अकॉर्डिंगली आपका जो अवॉइडेंस है कि आप इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं
उसको डिस्कस करना आपके कोर्स में शामिल है। तो ये आई थिंक कोई 100 सेक्शन से ऑनवर्ड हैं, कोई मैं भी गिवन हूँ यहाँ पे। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि ये तो अभी आपने ना स्टार्ट कर देने खुद ही, ठीक है जी। ये मैं ज़रा इसके सेक्शन आपको बता देता हूँ कहाँ से लेकर कहाँ तक हैं। नहीं, इसमें उन्होंने सेक्शन मेंशन नहीं किए, बट आई थिंक ये 100 के 100 से ऊपर कोई, आई थिंक कोई 8-10 सेक्शंस हैं जो कि आपने देखने कोड ऑफ एथिक्स के, ठीक है ना। तो कोड ऑफ एथिक्स इसके लिए रेलेवेंट है, वहाँ से आपने देखना है। ओके जी, ये आपका थोड़ा सा सिलेबस है, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट बात ये कि इसमें टेक्निकलिटी जो है ना सिलेबस की, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। यानी अगर एग्जामिनर ने सोच लिया ना कि आपने पास नहीं करना उसमें, तो फिर नहीं करना, ठीक है ना। अगर मैं सिर्फ आपसे यही बात करूं कि इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स तो ऐसे हैं जो इतने एक्सटेंसिव हैं कि आप मैक्सिमम अपनी एफर्ट करेंगे सारे एरियाज कवर कर लें, ठीक है। बट देर में भी ये चांस के क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आए तो शायद पिक ना हो सके आपसे। जैसे IFRS 9 है, ठीक है ना, यू शुड प्रिपेयर फॉर द, यू कैन से एवरीथिंग, बट देर इज़ ए चांस प्रॉब्लम हो जाए आपको, ठीक है। इसी तरह IFRS 15 जो है, इसमें भी सर्टन कॉम्प्लिकेटेड एरियाज हैं, पर्टिकुलरली जहाँ पे वेरिएबल रेवेन्यू आता है वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, उसकी एस्टिमेशन में, उसकी अकाउंटिंग में, ठीक है ना। लेकिन अब दिस इज ऑल योर सिलेबस, और सिलेबस जो है इसमें पास करना भी आसान है अगर आप देखें तो। यानी अगर ये इतना बड़ा मटेरियल है, ये वेटेज कितनी है, 10-15 मार्क्स, इसको भी बीच में शामिल करें तो मैक्सिमम 15 नंबर बनते हैं। 85% पेपर यहाँ पे है, ठीक है, बट इट्स टेक्निकल एरिया। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इररेलेवेंट है, यानी बेसिक्स ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है बस, कहीं 2-4 नंबर का आ जाए। डॉक्यूमेंट आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बट पेपर ये 3 एरियाज हैं जिन्होंने आपको पास करवाना है, ठीक है जी। तो नमाज पढ़ लेते हैं फिर वापस आते हैं, ठीक है जी। 29 भी है, वो भी ऐड कर लीजिएगा। IAS 29 जो है वो हाइपर इन्फ्लेशनरी इकॉनमीज़ को डील करता है। आजकल हमारे हालात भी कोई ठीक नहीं है, ठीक है जी। तो जो मटेरियली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं, वो बन रही होती हैं अंडर हिस्टोरिक कॉस्ट अकाउंटिंग। तो जब किसी इकॉनमी में इन्फ्लेशन जो है वो एक ख़ास हद से बढ़ जाए तो उसको हाइपर इन्फ्लेशनरी इकॉनमीज़ कहते हैं। जैसे जिम्बाब्वे की इकॉनमी है, वेनेजुएला की इकॉनमी है, आई थिंक ईरान भी उसी में फॉल करता है, ठीक है, यमन है, श्रीलंका है, ये इकॉनमीज जो है वो हाइपर इन्फ्लेशनरी इकॉनमीज़ में हैं। हम भी पास पास ही हैं, ठीक है जी, क्योंकि नॉर्मली कहा जाता है कि अगर किसी कंट्री के अंदर जो है वो 3 सालों का जो कंपाउंड GPI है, अगर वो 100% या उससे ज़्यादा हो जाए तो वो हाइपर इन्फ्लेशनरी इकॉनमी बन जाती है। तो हमारे अभी 2 साल हुए, देखें क्या बनता है, क्या ख्याल है। मेरे ख्याल 16.5% पे तो जा रहे हैं शायद हम, ईयर ओवर ईयर 16.5 मेरा ख्याल है। हाँ, तो 3 सालों का कंपाउंड तो मेरा ख्याल है हम भी पास पास पहुंच जाएंगे। पहली दफ़ा जो था ये मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ था हमारे साथ, जब मुशर्रफ साहब जो थे वो 2002-2003 में, 2002-2003 में हुआ था हमारे साथ। बट उस केस में फिर क्या हुआ कि बम्पर क्रॉप्स आ गई हमारी, वीट की, राइस की और इसकी कॉटन की, तो फिर हम उससे निकल गए। तो
होप्स हो कि शायद इस दफ़ा भी अल्लाह ताला करम फरमा दे, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो वैल्यू एडिशन मिला के जो है वो नियर अबाउट हमारी जीडीपी जो है उसको कोई 60-70% तक ले जाता है, तो फिर तो बात बन जाएगी। क्या ख्याल है? ठीक है, लेकिन अब हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि जो करंट पेपर आया है जून 2022 का, अगर हम उसको देखें तो वो कितना इस सिलेबस से जो है वो, यानी एलोकेशन ऑफ मार्क्स और बाकी चीज़ों को कितना कॉरेस्पॉन्ड करता है, और थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंस और पेपर पैटर्न भी थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। प्रीवियसली क्या होता था कि पेपर में ना एक क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड पे आ जाता था, अब ऐसे नहीं है। अब एग्जामिनर जो है वो एक ही क्वेश्चन के अंदर जो है वो मल्टीपल IFRS जो है उसको पूछ रहा होता है, ड्राफ्ट फिगर्स दे दी, टोटल एसेट्स की दे दी, प्रॉफिट की दे दी, ठीक है, लाइबिलिटीज़ की दे दी, और कहा जी कि ये एडजस्टमेंट्स हैं और इनके बाद जो है वो आप रिवाइज फिगर्स कैलकुलेट करें। इस दफ़ा तो एग्जामिनर ने बकाया तौर पे एक बैलेंस शीट दे दी है कि ये ज़रा रिवाइज करके बनाएं आप, ठीक है जी। तो इसमें टोटल जो है 5 हमारे अगर एरियाज हैं सिलेबस के, तो पिछले 3-4 अटैम्प्ट से ऐसे हो रहा है कि एग्जामिनर भी 5 ही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है जी। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो था दैट वाज ऑन मल्टीपल IFRS, बस मैं एक दफ़ा ज़रा खोल लूँ। शायद मैंने इधर खोला भी होगा, ये ओके जी। क्वेश्चन नंबर 1 जो था बेसिकली इसके 3 पार्ट्स थे, पार्ट ए था, बी था और सी पार्ट था। पार्ट ए वाज ऑन IS 36, ठीक है जी, ये IS 36 के ऊपर था। एक एग्जामिनर ने कैश जनरेटिंग यूनिट दिया हुआ था। क्या होता कैश जनरेटिंग यूनिट? यस, IS 36 ये कहता है कि आपने इम्पेयरमेंट टेस्ट जो है वो इंडिविजुअल एसेट पे अप्लाई करना है, एंड अनलेस कि इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए टू अप्लाई इम्पेयरमेंट टेस्ट ऑन इंडिविजुअल एसेट, तो देन फिर आपने, अगर इम्प्रैक्टिकेबल हो जाता तो फिर आपने एक से ज़्यादा एसेट जो आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं और दे जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स कलेक्टिवली, तो उसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट कहते हैं। तो CGU बेसिकली क्या है, स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट्स इन एन एंटिटी विच जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स लार्जली इंडिपेंडेंट फ्राम अदर एसेट्स ऑफ द एंटिटी इज कॉल्ड एज CGU, उसको हम CGU या कैश जनरेटिंग यूनिट कहते हैं। तो ये कैश जनरेटिंग यूनिट जो था इसके ऊपर 5 नंबर ही थे शायद, 5 नंबर का जो क्वेश्चन था, सॉरी 7 नंबर का जो क्वेश्चन था वो इसके ऊपर टेस्ट हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद जो पार्ट बी था, जी, दैट वाज ऑन IS 21, और ये भी आई थिंक 7 मार्क्स का ही था। सॉरी, ये 6 मार्क्स का था। अच्छा, इसमें एग्जामिनर ने क्या पूछा है? इसमें एग्जामिनर ने IS 28 को IS 21 के साथ मिलाया है, और एक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है वो फॉरेन ऑपरेशन पे पूछ लिया है, यानी एक फॉरेन ऑपरेशन है उसके ऊपर एक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग की एप्लीकेशन पूछ ली है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपको अपनी इन्वेस्टमेंट है वो गिवन होगी किसी पर्टिकुलर डेट पे, वो आपने फॉरेन करेंसी में की होगी, उसको आपने अपनी जो फंक्शनल करेंसी उसके अंदर ट्रांसलेट करना है, फिर जो फॉरेन ऑपरेशन है उसके रिजल्ट्स जो होंगे वो फॉरेन करेंसी में गिवन होंगे, उनको आपने ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। तो यूं एग्जामिनर ने IS 21 और 28 को मिला के एक क्वेश्चन पूछा है जो कि 6 मार्क्स का था। नंबर सी पॉइंट जो था वो IFRS
9 के ऊपर पूछा है उसने, ठीक है जी। तो IFRS 9 के ऊपर जो क्वेश्चन था, ये 5 नंबर का क्वेश्चन उसने यहाँ पूछा है। तो अगर देखें तो पहला क्वेश्चन जो था 7, 6, 13 और 5, 18, 18 नंबर का क्वेश्चन था और इसमें उसने 3 स्टैंडर्ड पूछे हैं। अच्छा, दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी जो यहाँ उसने पूछा है। यहाँ उसने बेसिकली जो फाइनेंशियल एसेट होता है, या तो वो दूसरी एंटिटी के इन्वेस्टमेंट इन एक्विटी यानी उसके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होती है, या दूसरी एंटिटी के जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट में या फाइनेंशियल लाइबिलिटी में इन्वेस्टमेंट होती है। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल एसेट इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द अदर एंटिटी होता है, उसकी अंडर IFRS 9 3 तरह से क्लासिफिकेशन हो सकती है, एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L, एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI एंड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन के ऊपर एग्जामिनर ने 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा। इसमें न्यूमेरिकल कुछ कैलकुलेट नहीं करना था, सिर्फ क्लासिफिकेशन और प्रॉपर क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसके अंदर 2 टेस्ट होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट होता है और दूसरा जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल कैश और बिजनेस मॉडल टेस्ट होता है। तो 2 टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपने क्लासिफाई करना होता है और फिर सर्टन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं कि इवन अगर टेस्ट मीट भी हो जाएं तो फिर भी आप उनको अदरवाइज क्लासिफाई कर सकते हैं। उसकी सारी डिस्कशन जो थी वो एग्जामिनर ने 5 नंबर की पूछी है, ठीक है जी। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने 3 स्टैंडर्ड जो हैं उसको टेस्ट कर लिया है। अच्छा, इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है और ये भी अगेन जो है वो मल्टीपल IFRS का क्वेश्चन है जी। इसमें एग्जामिनर ने क्या किया कि एक बैलेंस शीट दे दी है जिसमें सर्टन एरर्स हैं, ओमिशंस हैं, सर्टन IFRS की रॉन्ग एप्लीकेशन है और एग्जामिनर ने क्या किया, रिक्वायर किया कि आप इसके अंदर जो रॉन्ग कैलकुलेशंस हैं, रॉन्ग एप्लीकेशंस हैं, उनको रेक्टिफाई करें और एक जो है वो फ्रेश बैलेंस शीट बना के दिखाएं। इसके 2 पार्ट थे, ठीक है जी। एक पार्ट जो था वो आई थिंक 19 नंबर का है और जो बी पार्ट है वो शायद 5 नंबर का था, बट लेट बी कन्फर्म्ड। 19 नंबर में आपने रिवाइज्ड बैलेंस शीट बना के देनी थी और जो 5 नंबर का था उसमें एथिकल इश्यूज की डिस्कशन थी, यानी अकाउंटेंट ने जो बैलेंस शीट बनाई उसके अंदर उसकी सर्टन जो थे वो एरर्स या ओमिशंस जो थी वो थी, जिसके अंदर आपने उसके जो 5 प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर उसका इफ़ेक्ट निकालना था और फिर जो उसके उन 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर जो सर्टन इश्यूज हैं या जिनको भी हमने क्या कहा था जी, थ्रेट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना था और उसके आगे आपने उसको उसका सलूशन भी देना था कि इन थ्रेट्स के अगेंस्ट जो है वो सलूशन क्या होगा। तो 5 नंबर इसके थे, बट ये जो 19 नंबर का था ना, इसके अंदर एग्जामिनर ने क्या किया है कि तकरीबन 5 या 6 IFRS की दे दी है एप्लीकेशन, ठीक है जी, के फिगर्स बैलेंस शीट में गिवन है बट दे आर रॉन्गली कैलकुलेटेड और मे बी ओमिटेड। तो आपने क्या करना है, उन रिवाइज बैलेंस शीट बना के दिखानी है, ठीक है। इसके अंदर जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स एग्जामिनर ने पूछे हैं उसको अगर हम डिस्कस करें तो जो पहला स्टैंडर्ड एग्जामिनर ने पूछा है, इसके अंदर जो एप्लीकेशन पूछी है जी, पहला एरिया जो था दैट वाज एन IS 32, IS 32 की बात थी। तो IS 32 जैसे आपसे यहाँ बात हुई थी कि IS 32 जो है वो इस एरिया में फॉल करता है जहाँ पे 30 से लेकर 35 नंबर हैं, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो प्योरली या तो इश्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्विटी इंस्ट्रूमेंट होते हैं या वो प्योरली जो है वो इश्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी होते हैं, बट देर आर सर्टन इंस्ट्रूमेंट्स विच आर बेसिकली हैविंग कंपाउंड नेचर, वो कंपाउंड नेचर के होते हैं, उनके अंदर फाइनेंशियल लायबिलिटी भी है और एक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी है। तो बेसिकली उसकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन, प्रॉपर कैलकुलेशन, मेजरमेंट
तो जाहिर है जो कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट होता है उसको एक्विटी और डेट कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, इंशाल्लाह सीखेंगे IS 32 में, उसकी एप्लीकेशन एग्जामिनर ने पूछी हुई थी। ठीक है ना। उसके बाद इसके अंदर जो दूसरा स्टैंडर्ड एग्जामिनर ने टेस्ट किया है जी, दूसरा जो स्टैंडर्ड था दैट वाज ऑन IFRS 16, यानी लीजेस का स्टैंडर्ड जो था वो इसके अंदर उसने टेस्ट किया है, IFRS 16 की टेस्टिंग की है। ठीक है जी। फिर इसी तरह जो है इसके साथ आई थिंक जो नेक्स्ट पार्ट है वो IFRS 15 का है जो उसने, जी बिल्कुल IFRS 15 है जी, IFRS 15 की टेस्टिंग है। तो यूं ये जो है इसके अंदर उसने टेस्टिंग की है, यानी तीन मेन स्टैंडर्ड टेस्ट हुए। तो अगर हम 19 नंबर को इक्वली डिवाइड कर दें तो इसका मतलब ये है कि 6, 6 और 7 नंबर जो होंगे वो आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो आपका जो पूरे का पूरा पेपर है वो इन्हीं दो एरियाज़ के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा है, ये जो ए और बी पार्ट है उसके ऊपर। ठीक है जी, मटेरियली उसी के ऊपर कंसंट्रेट किया जा रहा है। अच्छा जी, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 था आई थिंक दैट वाज ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, यस। और इसके अंदर ये एग्जामिनर ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम पूछा है। ठीक है जी, और ये 25 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है। इसके अंदर एग्जामिनर ने डिस्पोजल भी पूछी है, इसके अंदर एग्जामिनर ने स्टेप एक्विजिशन भी पूछी है, यानी काफ़ी डिटेल्ड में एग्जाम क्वेश्चन जो है वो टेस्ट हुआ है। लिंच, आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें जो है दो चीज़ें सॉरी पूछी हैं, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम पूछी है और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी पूछी है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अगेन मल्टीपल IFRS का पूछा है उसने, यानी मल्टीपल स्टैंडर्ड्स जो हैं उसकी टेस्टिंग उसने पूछी है जी। क्वेश्चन नंबर 4 जो था इसका जो पहला पार्ट है वो IFRS 2 के ऊपर था। पहला पार्ट जो है वो IFRS 2 के ऊपर है, दूसरा पार्ट जो है वो IS 19 के ऊपर है। जो पहला पार्ट है उसके मार्क्स जो हैं वो 5 हैं, दूसरे के भी 5 मार्क्स हैं। तो अगर हम देखें तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना वो इस एरिया पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है, ये वो अदर IFRS वाला एरिया। ठीक है जी। और इसके बाद जो पार्ट 3 है जी, दैट वाज ऑन IFRS 16। जी पार्ट 3 जो है वो IFRS 16 के ऊपर है और जो पार्ट 4 है वो IFRS 9 के ऊपर है। ठीक है जी। तो पार्ट जी, अगले दो पार्ट जो हैं वो 7 नंबर के हैं और 8 नंबर के हैं, तो ये 7 मार्क्स है और ये 8 मार्क्स है। तो अगर देखें तो घूम फिर के स्टैंड क्वेश्चन कहाँ फॉल कर रहे हैं, IFRS 15, 16, 9, 36, 32, दैट्स इट। और ये जो आखिरी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, ये बैंक्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में था, आई थिंक 8 नंबर का ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है। और यूँ 100 नंबर पूरे हो जाते हैं जी 8 नंबर का, दैट्स इट। अब ज़रा आपके सामने सिलेबस गिवन है,
जरा अगर आप देखें तो उसने नियर अबाउट सारे जो पार्ट्स हैं ए बी सी डी ई जो है उनके साथ उसने इंसाफ किया है, तकरीबन इतने इतने नंबर ही पूछ लिए हैं उसने। जैसे अगर आप देखें तो आईएएस 21 6 नंबर, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 25 नंबर मिलाएंगे तो 31 नंबर बन जाएंगे, तो 25 से 30 नंबर उसने कहा हुआ है। फिर उसने सेकंड पार्ट जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का है और 36 का है, ठीक है जी। तो अगर आप देखें तो 5 नंबर यहाँ पे हैं, ठीक है जी, 6 नंबर यहाँ पे हैं, 5, 6, 11, और उसके बाद 8 नंबर यहाँ पे हैं, 19 नंबर जो हैं वो यहाँ से उसने पूछ लिए हैं। और अगर हम ये कह लें जी कि 21 उधर भी शामिल है इधर भी शामिल है तो आधे नंबर भी लगा दें तो 19 और 3, 22 और 3 उधर लगा दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि नियर अबाउट उसने 25 नंबर का जो एरिया था वो यहाँ से भी पूछ लिया। अदर आईएफआरएस में अगर आप देखें तो आपका आईएफआरएस ये देखें, ये आईएफआरएस 16 है, 15 है, 6 और 7 13, 13 और 5 18, और 18 और 5 23, 23 और 7 30, ठीक है जी, और फिर बैंक्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो भाईजान मोटी बात करें तो 5-6 स्टैंडर्ड हैं जो आपका कोर्स है। कौन कौन से हैं? आईएफआरएस 15, 16, 9, ठीक है जी, आईएस 12 कह लें, आईएफआरएस 2, 19, दैट्स इट, बात खत्म। बट यू हैव टू बी हैविंग ए कंप्लीट नॉलेज ऑफ दीज आईएफआरएस, ऐसे बात नहीं बननी है, ठीक है ना। वेरी इजी पेपर, इसलिए कि आप एक सवाल गलत पूरा कर ही नहीं सकते, क्या ख्याल है? मैं बड़ी कोशिश करके फेल होना पड़ेगा, वैसे नहीं होता बंदा, ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो पूरे कोर्स के ऊपर आपका जो पेपर है वो पूरे कोर्स के ऊपर फैला हुआ है। लेकिन इसके साथ जो एक प्रॉब्लम है वो क्या है कि कोई भी चीज़ आप छोड़ के नहीं जा सकते, क्या ख्याल है? छोड़ के जा सकते हैं? हाँ, तो ये बेसिकली जो है पेपर पास करना आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान इस तरह से है कि मोटा मोटा 5-6 स्टैंडर्ड सिलेबस है, ठीक है जी। मैक्सिमम देखेंगे तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ना वो 10 बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दे आर वेरी टेक्निकल, दे आर वेरी ट्रिकी, दे आर इन वेरी डिटेल। प्रॉब्लम ये है, कवर करना इशू है, उनको समझना प्रॉब्लम है। स्टीरियोटाइप पेपर नहीं है, ये नहीं है कि आप ऐसे अटेम्प्ट कर लेंगे, ऐसे नहीं है जी। तो क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे इसके बारे में, हैं? ले जी, जस्ट एन ओवरव्यू कि आपका सिलेबस क्या है और आपका जो पेपर है करंट अटेम्प्ट का वो कैसे इस पे मैप हो रहा है वो आपने देख लिया, इम्पोर्टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये कि जो आईएफआरएस पढ़ने होते हैं ना, समझने होते हैं, उसके लिए कुछ बड़े बेसिक अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको अगर आप नहीं पढ़ेंगे नहीं समझेंगे तो आपको वो समझ भी नहीं आते हैं आईएफआरएस। तो आईएफआरएस को पढ़ने के लिए जो है वो दो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। वन इज़ द प्री फेस ऑफ द आईएफआरएस एंड द अदर इज़ फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये दो डॉक्यूमेंट हैं जो ऐसा डायरेक्ट तो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन अगर आपने समझना है कि ये स्टैंडर्ड किस तरह से आपको परसू करने चाहिए, ठीक है ना, तो फिर वो दो डॉक्यूमेंट बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। वन इज प्रीफेस, अदर इज फ्रेमवर्क। पूरी दुनिया में ना दो तरह की अकाउंटिंग रेगुलेशंस अभी एग्जिस्ट करती हैं, एक को हम कहते हैं रूल बेस्ड रेगुलेशंस और दूसरे को हम कहते हैं प्रिंसिपल बेस्ड रेगुलेशंस। रूल बेस्ड रेगुलेशंस जो होती हैं ना वो सिचुएशनल होती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें अगर आप अमेरिकन गैप्स को देखेंगे तो अमेरिकन गैप्स में अगर आपने इनटेंजिबल एसेट को ट्रीट करना है ना तो इनटेंजिबल एसेट जो होंगे वो उन्होंने दिया होगा जी इनटेंजिबल एसेट
सॉफ्टवेयर है तो कैसे डील करना है, आईटी रिलेटेड इनटेंजिबल एसेट्स है तो कैसे डील करना है, इसके मतलब तीन चार आपको शायद वहाँ पे गाइडलाइंस नज़र आ जाएं। सिमिलरली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर भी आपको काफ़ी नंबर ऑफ गाइडलाइंस मिल जाएंगी, और वहाँ पे वो क्या डिस्कस करते हैं कि ये सिचुएशन है और ये इसका सोल्यूशन है, ये इसका आंसर है, इस तरह से आपने इसकी अकाउंटिंग करनी है। IFRS ऐसे नहीं है, IFRS हैं तो अगर आप देखें तो इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर एक ही गाइडलाइन है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर एक ही गाइडलाइन है, इसलिए कि जो IFRS है ना वो सिचुएशनल नहीं है, वो प्रिंसिपल बेस्ड है। प्रिंसिपल बेस्ड का मतलब ये है कि IFRS जो हैं उनके अंडरलाइंग बेसिस है जिसको हम फ्रेमवर्क का नाम दे रहे हैं। यानी सबसे पहली बात ये कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं, व्हाट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये प्रिंसिपल है कि पहले आप ये सेट करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपने अचीव क्या करना है, ठीक है ना। जब आप ये समझ लेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो देन जाहिर है कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या होना चाहिए, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए ना। तो सबसे पहले जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर जाहिर है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपको सर्टन जो है वो प्रिंसिपल्स जो हैं वो सेट करने पड़ते हैं। जैसे आपको अगर देखें तो किसी भी स्टैंडर्ड में एसेट की डेफिनेशन नज़र नहीं आएगी, लायबिलिटी की डेफिनेशन नज़र नहीं आएगी, क्यों? इसलिए कि एसेट जो है वो एक प्रिंसिपल, एक डेफिनेशन उसकी प्रिंसिपल है। अब अगर वो IS-2 का एसेट है, IS-16 का एसेट है, IS-38 का एसेट है, IFRS-9 का एसेट है, 40 का एसेट है, 41 का एसेट है, IFRS-5 का एसेट है, ठीक है, IFRS-3 बिजनेस कॉम्बिनेशन का एसेट है, तो एवरी वेयर देर विल बी अंडरलाइंग सेम डेफिनेशन, ठीक है ना। तो यू डोंट नीड टू डिफाइन अगेन एंड अगेन व्हाट इज मेंट बाय एसेट, सेम इज अ केस विद लायबिलिटी, क्लियर, सेम इज अ केस विद इनकम, सेम इज अ केस विद एक्सपेंस, सेम इज केस विद एक्विटी। तो व्हेन यू डिफाइन द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देन दोज बिकम योर प्रिंसिपल्स। फिर आपको ये नहीं देखना पड़ता कि अच्छा जी किस सिचुएशन में इसको एसेट कहना है, किस सिचुएशन में एसेट नहीं कहना, किस सिचुएशन में लायबिलिटी है, किस सिचुएशन में एक्विटी है, ये आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव आइडेंटिफाइड देयर डेफिनेशन, देयर प्रिंसिपल, देयर डेफिनेशन, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती कि आपने किस स्टैंडर्ड में क्या सिचुएशन को कैसे डील करना। यू बेसिकली ओनली एड्रेस द सिचुएशन एंड देन बेस योर रिक्वायरमेंट ऑन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं दे आर गिवन इन द फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क के अंदर गिवन है। फिर फ्रेमवर्क से भी एक पहले चीज़ है और वो है प्री फेस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। IFRS क्यों हैं, कैसे हैं, इन IFRS को बनाने की रीज़न क्या थी, ठीक है, IFRS की एप्लीकेशन क्या है, इनका स्कोप क्या है, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि जब तक आपको IFRS का स्कोप क्लियर नहीं होता, उनकी एप्लीकेशन क्लियर नहीं होती है, तब तक आप IFRS को समझ नहीं सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारा नेक्स्ट एरिया है वो ये है कि कल हम आपसे डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का प्री फेस क्या है और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का फ्रेमवर्क क्या है जिसके ऊपर ये सारे स्टैंडर्ड बेस करते हैं, ठीक है जी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम आपको सिखाएंगे कि आपने परसू कैसे करना है, या अगर IFRS सीखने हैं तो इनको स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है ना। तो फिर IFRS जो है वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लेके आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे आप कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा डिफरेंट IFRS में जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट है वो कैसे, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ट्रू सेंस में क्या होती है, ठीक है, फिर प्रॉफिटेबिलिटी कैसे मेजरमेंट बेसिस से अफेक्ट होती है, मेजरमेंट बेसिस कितनी होती हैं, ठीक है, और ये जो बैलेंस शीट अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग इन IFRS है इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। अगर आप देखें तो एवरीथिंग एंड इन बैलेंस शीट, कभी देखा क्लोजिंग कहाँ हो रही होती है, बैलेंस शीट में, वाई, क्यों, ठीक है ना। तो ये जो अकाउंटिंग को समझना है ना ये हम कल आपसे डिस्कस करेंगे। कल हम आपको जो है पास्ट पेपर्स का एक भेजेंगे एनालिसिस भी कि प्रीवियस ईयर्स में जो डिफरेंट अटेम्प्ट्स आई हैं उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक, कैसे कैसे टेस्ट हुए हैं, कितने कितने मार्क्स के टेस्ट हुए हैं,
ठीक है, वो भी आपके पास एक आइडिया हो जाएगा। फिर हम आपको जो है वो प्री फेस और फ्रेमवर्क भेजेंगे, उसको आपने रीड करना। उसका तल्लक आपके एग्जामिनेशन से नहीं है, ना ही वो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। उसका तल्लक इस बात से है कि ये IFRS को अगर आपने समझना है, परसू करना है, तो आपके पास बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ना है इनको, समझना कैसे है। कभी पढ़ा है आपने फ्रेमवर्क? कभी नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, ठीक है जी। लेकिन ये कि जिसको फ्रेमवर्क समझ आ जाता है ना, उसको अकाउंटिंग समझ आ जाती है, वो रटा नहीं लगाता, वो हमेशा लॉजिकली समझने की कोशिश करता है एक स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को। जैसे रिसेंटली अगर आप देखें तो IFRS 16 में जो चेंजेस आई हैं, या IFRS 15 ने जो IS 18 को रिप्लेस किया है, तो व्हाट्स द रीज़न, मेन रीज़न बिहाइंड, क्यों रिप्लेस हुए हैं ये, और अभी आने वाले वक्तों में क्यों मज़ीद स्टैंडर्ड जो हैं वो उनकी हिट लिस्ट पे हैं जिसके अंदर चेंजेस आने वाली हैं, ठीक है ना। तो ये फिर कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। बाकी जो मेन सिलेबस है ना आपका, वो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, IFRS 3, IFRS 10, 27, 28 और IFRS 11, ठीक है जी। फिर हमने मूव करना है इस वाले एरिया में पहले, यानी ए करेंगे, सी करेंगे और फिर बी करेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट वन ए, देन सी। सी इसलिए पहले करते हैं कि इसमें ना कुछ स्टैंडर्ड्स में ना आपके पास फिर भी कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे IFRS 15 पढ़ा हुआ है, 16 पढ़ा हुआ है आपने, 12 पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है ना। तो ये फिर कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग आपके पास होती है, तो हमें ज़रा थोड़ी सी हेल्प हो जाती है आपको समझाने में, ठीक है जी। क्या ख्याल है, तो कैसा रहा आज आपका पहला लेक्चर? इतना ही पढ़ेंगे आज, पढ़ाया तो नहीं आज, आज तो हमने डिस्कशन किया, पढ़ाएंगे कल। कल क्या पढ़ाएंगे? फ्रेमवर्क। पहले प्री फेस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, और फिर पढ़ाएंगे आपको फ्रेमवर्क, ठीक है जी। तो कल हमने रीज़न लॉजिक बिहाइंड IFRS देखनी है कि IFRS के पीछे ये क्या कहानी क्या चल रही है, ठीक है जी। तो कल इंशाल्लाह आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो फिर इंशाल्लाह आपसे डिस्कस होगा जी, ठीक है। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया आपका।